नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का एक बार फिर से 20 शिक्षकों पर डंडा चला है। FIR दर्ज किया गया है उनके खिलाफ। आपको बता दें कि 10 मार्च को एक प्रदर्शन विरोध जो है मुजफ्फरपुर में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के द्वारा किया गया था, जिसमें आरोप यह लगाया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि उसमें लाठी बांटने का काम किया गया था। और इसको लेकर जो है वो शिक्षकों से पूछे गए थे स्पष्टीकरण, और 24 घंटा के अंदर में जमा करने को कहा गया था ताकि वस्तु स्थिति से अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया जा सके। और बता दें आपको, जो अभी खबरें निकल के आ रही है कि 20 शिक्षकों का तो वेतन पत्र रोक लगाया ही गया है। DPO स्थापना मुजफ्फरपुर के द्वारा नगर थाने में इन 20 शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक लगातार एक्शन में है। उन्होंने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है और 20 शिक्षकों पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वेतन बंद करने का भी आदेश दिया है। KK पाठक के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह आदेश दिया है, जिसके बाद FIR के लिए मुजफ्फरपुर नगर थाने प्रभारी को पत्र लिखा गया है। DPO स्थापना ने नगर थाने को स्कूल के नाम और पते के साथ 20 शिक्षक की लिस्ट सौंपी है। आपको बता दें कि इन शिक्षकों से पहले DPO ने स्पष्टीकरण मांगा था और कहा था कि धरना प्रदर्शन पर रोक के बावजूद संगठन के बैनर तले लाठियां बांटी गई थी। इसके साथ भी कहा गया था कि KK पाठक द्वारा शिक्षकों को किसी भी संगठन या संस्था के बैनर तले धरना प्रदर्शन पर पहले से रोक लगाई जा चुकी थी। इसके बावजूद भी 10 मार्च को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शिक्षकों के बीच लाठियां बांटी गई थी। इसके बाद शिक्षकों से 24 घंटे के अंदर शोकॉज मांगा गया। आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं जिन पर यह आदेश दिया गया है, आप नाम देख सकते हैं, बंशीधर ब्रजवासी, लखन लाल निषाद, जीतन सहनी, हरिहर साह, शंकर कुमार, सुधांशु कुमार, मुर्तजा, समरेंद्र कुमार, नाजिर असरार, ललिता कुमारी, देवेंद्र राम, रफी अहम, श्याम कुमार, अरविंद कुमार, ओम प्रकाश, मिराजुल हक साबरी, राम सहाय, सुनील कुमार, मदन सहनी, महावीर प्रसाद के नाम शामिल है। तो आपको बता दें कि KK पाठक जो है वो लगातार शिक्षकों के मीडिया में आकर सरकार के या शिक्षा विभाग के खिलाफ बयान देने को लेकर, संघ या संस्था बनाने को लेकर, उसके अंतर्गत विरोध प्रदर्शन करने को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर के 20 शिक्षकों पर, जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के सदस्य हैं, उन पर FIR दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। वेतन भी बंद कर दिया गया है और कल जो है इनको लेकर एक शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। और बता दें आपको हम कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से KK पाठक ने फैसला लिया। देखिए इसका क्या अब असर होता है। हालांकि FIR दर्ज करने की सूची जो है वो नगर थाने मुजफ्फरपुर को दे दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।